हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह तंवर। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंटिंग गुरुजी में। दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि पेपर का जीएसएम क्या होता है, इसे कैसे पता लगाया जाता है और इसका यूज क्या है। तो दोस्तों बिना देर करें आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर सबसे पहले पाएं नोटिफिकेशन हर वीडियो का। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि जीएसएम होता क्या है। दोस्तों जीएसएम का जो फुल फॉर्म है वो है ग्राम पर स्क्वायर मीटर, इसे ग्रामेज ऑफ पेपर भी कहते हैं। ये एक यूनिट है जिससे हम किसी भी पेपर का माप सकते हैं कि इसका वजन क्या हो सकता है या ये किस ग्रामेज का पेपर है। ग्रामेज का जो यूज है कि ये पेपर के अलग अलग पेपर के जीएसएम जो होते हैं उनका अलग अलग यूज है, यानी कि हर पेपर का ग्रामेज उसके यूज को भी डिफाइन करता है। जैसे कि 70 जीएसएम, 80 जीएसएम, 75 जीएसएम से लेकर 100 जीएसएम तक जो पेपर होते हैं वो ज्यादातर लेटर हेड्स, फोटोकॉपियर्स, साथ ही एनवलप्स, इन सब चीजों में काम आते हैं। वहीं अगर हम 100 जीएसएम से ऊपर जाएं, जैसे 170 जीएसएम हो गया, 220 जीएसएम या 250 जीएसएम तक जो होते हैं वो ज्यादातर हमारे लीफलेट्स जो होते हैं उनमें काम आता है। वहीं जो हमारे उनसे भी अबो होते हैं यानी 300 या प्लस 350, 400 जो वो होते हैं उनका यूज आता है हमारे बॉक्सेस में, पैकेजिंग में, साथ ही हमारे इन्विटेशन कार्ड्स में, टैग्स में, इन सब में इनका यूज होता है। तो दोस्तों अलग अलग जीएसएम का अलग अलग यूज है, जो कि आप जब आप प्रिंटेड जो प्रोडक्ट्स आपके आसपास होते हैं जब उनको यूज करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि किस पेपर का ग्रामेज क्या होता है। तो दोस्तों ये तो हुआ जीएसएम क्या होता है और उसके यूज कहां कहां कैसे आते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि जीएसएम को हम कैसे निकाल सकते हैं या किसी भी पेपर का जीएसएम हम कैसे जान सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है इसको निकालना। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप किसी भी पेपर का जीएसएम घर बैठे निकाल सकते हैं। इसके लिए करना आपको यह है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मीटर यानी कि 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर पेपर है, जो कि काफी बड़ा पेपर होता है, जनरली आपको यूज में नहीं मिलेगा लेकिन इसका भी अल्टरनेट है हमारे पास। अगर आपके पास 1 मीटर बाय 1 मीटर का पेपर है तो सिंपली आप उसका जो वेट करेंगे तो उसका जो भी वेट आएगा वही उसका जीएसएम कहलाएगा। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास इतना बड़ा पेपर नहीं है, 1 मीटर बाय 1 मीटर का पेपर नहीं है, तो आप कैसे ग्रामेज निकालेंगे किसी भी पेपर का। तो दोस्तों बहुत ही सरल है कि जो भी पेपर आपके पास अवेलेबल है उसको आप 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर में कट कर लें। 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर में कट करने के बाद जब आप उसका वजन करेंगे तो जो भी उसका वजन आएगा उसको आप इनटू 100 कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका होगा जीएसएम उस पेपर का। यानी कि सेंटीमीटर में जब हमने पेपर लिया जो कि 10^-2 होती है मीटर की, तो वहां हमारा 100 का जो कांस्टेंट एक फैक्टर है वो वर्क करेगा और उसके बाद आपका जीएसएम निकल सकता है। सिंपली हमने यूनिट्स का अदला बदली करके हमने वेट को निकाला है। तो इसलिए जीएसएम निकालना बहुत ही आसान है। जब भी आप पेपर का जीएसएम निकालें, अगर आपके पास 1 मीटर बाय 1 मीटर की शीट नहीं है तो सिंपली आप 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का शीट लीजिए और उसका वेट कीजिए और जो भी उसका वेट आए उसमें इनटू 100 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा उसके जीएसएम का। तो दोस्तों ये तो हुआ कि इसका जीएसएम कैसे जाने। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं एक कॉमर्शियल वे में कि जब कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन में यूज आते हैं, प्रेसेस में यूज आते हैं, तो वहां तो इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं, तो वहां पर किस तरीके से जीएसएम को निकाला जाए। दोस्तों इस जगह पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमें जीएसएम अगर पता हो तो हम रिम का वेट निकाल सकते हैं। रिम जो एक यूनिट है वो है 500 शीट्स इक्वल टू 1 रिम, ये यूनिट है पेपर में शीट्स की काउंटिंग की। तो रिम अगर आपको मान लीजिए रिम का वेट अगर पता है तो आप जीएसएम निकाल सकते हैं, और अगर आपको जीएसएम पता है तो आप रिम का वेट निकाल सकते हैं। तो यही मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जीएसएम अगर आपको पता हो तो आप रिम का वेट निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि अगर हमें किसी पेपर का जीएसएम पता है तो हम उसकी 500 शीट्स यानी कि 1 रिम का वेट कैसे निकाल लें। मान लीजिए अपने आपके पास जीएसएम पता है कि 90 जीएसएम का पेपर है, तो अब हमें 1 रिम का वेट निकालना है। सबसे पहले इसके लिए जरूरत पड़ती है कि पेपर की साइज क्या है। मान लीजिए साइज है 23 inches into 36 inches यानी 23 into 36, ये साइज है इंचेस में, और जीएसएम हमारा 90 जीएसएम है और अब हमें निकालना है वेट 1 रिम का।
तो ये कैसे निकलेगा? दोस्तों इसका जो इजी फॉर्मूला है वो है, आपको वेट ऑफ रिम निकालना है जो कि 500 शीट्स पेपर की, इक्वल्स टू आप वेट निकालने के लिए कैसे जीएसएम और पेपर की जो साइज है उसका इस्तेमाल करके जिस आपका वेट जो है रिम का कैसे निकाल सकता है रिम का। तो इसके लिए जीएसएम इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ पेपर डिवाइडेड बाय 3100। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है इससे हम पेपर का जो रिम का वेट है वो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप जैसे मैंने बताया कि 90 जीएसएम पेपर है 23x36 इंचेस में, तो इसका वेट ऑफ रिम निकालना है। तो इसके लिए सीधा है कि जीएसएम की जगह 90 जीएसएम लिख दीजिए इंटू 23 इंटू 36 जो कि पेपर की साइज है डिवाइडेड बाय 3100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 24 point something kg, यानी कि 24 किलो प्लस की रिम होती है 23x36 90 जीएसएम के पेपर की। तो इसी तरीके से आप किसी भी, मतलब किसी भी पेपर की साइज हो आपके पास इंचेस में और जीएसएम पता हो तो आप वेट ऑफ रिम निकाल सकते हैं, यानी 500 शीट्स का वेट निकाल सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले में से हम, अगर हमें जीएसएम निकालना है और हमारे पास वेट ऑफ रिम है और लेंथ और ब्रेथ हमें पता है तो कैसे निकाले? तो उसके लिए बहुत ही ईजी है कि वेट ऑफ रिम इंटू 3100 डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ पेपर। ये बहुत ही इजी है, इससे आप जो हमारा जीएसएम है पेपर का वो निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको इसी को रिवर्स कर लीजिए कि अगर आपके पास 23x36 का पेपर है जिसका 24 किलो वेट है, अब आपको जीएसएम नहीं मालूम तो आप जीएसएम निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूले में आप पुट करेंगे कि 24 किलो वेट है रिम का इंटू 3100 और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ पेपर 23 इंचेस डिवाइडेड बाय ब्रेथ ऑफ पेपर 36 इंचेस। तो इस तरीके से करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 90 का फिगर मिलेगा जो कि 90 जीएसएम कहलाएगा। तो दोस्तों वेट ऑफ पेपर और जीएसएम ऑफ पेपर निकालना बहुत ही आसान है। जब आप कमर्शियल, अगर आप किसी इंडस्ट्री में है, पेपर इंडस्ट्री में है या प्रिंटिंग इंडस्ट्री में है जो कि पेपर में डील करती है, तो वहां पर बहुत इजीली आप इन फॉर्मूलाज को यूज करके पेपर का वेट जान सकते हैं, साथ ही पेपर का जीएसएम भी जान सकते हैं। अब हम आते हैं कि अगर हम रील पर काम कर रहे हैं, पेपर की रील है, तो उसका वेट कैसे निकालें और साथ ही उसमें से जीएसएम कैसे निकालें, क्योंकि रील में तो शीट नहीं होती है, रील में तो पूरा एक रोल होता है जिसकी एक लेंथ जो होती है, जो ब्रेथ होती है फिक्स होती है, और लेंथ जो होती है उसकी वो बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है, तो आप उसमें कैसे निकालेंगे? तो उसका भी बहुत ही इजी फॉर्मूला है। अगर आपको वेट ऑफ रील निकालना है तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि जीएसएम इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइडेड बाय 1000। यहां दोस्तों 3100 जो कि हमने शीट्स के लिए यूज किया था वो एक कॉन्स्टेंट है, ये फैक्टर है जो कि यूनिट्स के अंदर यूज आता है, यूनिट्स का कन्वर्जन करने में यूज आता है, ये कांस्टेंट एक फिगर है जो इंचेस और मीटर्स के बीच में यूज किया जाता है। वैसे ही यहां रील के लिए जो 1000 यूज किया जा रहा है वो भी हमारे जो ग्रामेज किलो का और जो मीटर्स का है, जो इन यूनिट्स का कन्वर्जन है वो यहां पर यूज किया जा रहा है, ग्रामेज और किलो के फैक्टर को यूज करके 1000 डिवाइड किया जा रहा है। तो वेट ऑफ रील equals to length into breadth into GSM divided by 1000, ये एक रील का वेट निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको पेपर का GSM निकालना है उसका, तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले से हम GSM भी निकाल सकते हैं रील के पेपर का, यानी कि वेट ऑफ रील into 1000 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ पेपर into ब्रेथ ऑफ पेपर, ये करके आप इसका जीएसएम भी निकाल सकते हैं रील के पेपर का। तो दोस्तों ये जो तरीका है बहुत ही आसान है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। साथ ही आपकी इंडस्ट्री में जो प्रिंटिंग, जो पेपर प्रिंटिंग से जुड़ी हुई है या पेपर ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है, यहाँ बहुत ज्यादा यूज आता है और जीएसएम के अलग अलग होने की वजह से इसका अलग अलग यूज होता है, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आपको जीएसएम निकालना आना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जीएसएम से रिलेटेड और कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ ही हमारे पहले के वीडियोस जो कि एपिसोड्स आ चुके हैं उनके बारे में भी आप जाइए, उनको भी देखिए और उनके बारे में भी आपकी जो भी क्वेरीज हो, कमेंट्स हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही आने वाले एपिसोड्स में हम और भी प्रिंटिंग से रिलेटेड एपिसोड्स लाने वाले हैं, तो बिना देर करे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हर सोमवार, तब तक के लिए नमस्कार।